तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और हम लोग ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहे हैं, जहां पर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स, कंप्लीट कोर्स सिखाया जाता है। आज हमारे पास कालीचरण जी हैं, इनका मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है और समथिंग इनको कोर्स करते करते 1.5 महीना हो गया। कितना दिन हो गया तुमको? 1 महीना 18 दिन। 1 महीना 18 दिन होगा। 1 महीना 18 दिन में इन्होंने अपने पूरा कोर्स को पूरा कर लिया है। कोर्स पूरा करने के बाद अभी अपने घर जाना चाहते हैं और पूरा सक्सेसफुली इनका कोर्स हो गया है। और आगे का प्लान ये है कि मतलब ये चाहते हैं कि मतलब हम काम सीख करके अपना बिजनेस करें। और इससे पहले भी इन्होंने कई सारे काम किए, लेकिन काम करने के बाद वही बात होती है कि हर एक आदमी यही चाहता है कि मेरे हाथ में कोई छोटा मोटा हुनर हो, जिस हुनर को सीखने बाद हम अच्छी तरीके से काम कर सकें। और ये मेरे पास काफ़ी दूर से हैं, ये कलकत्ता से रहने वाले हैं। कहाँ पर पड़ता है तुम्हारा? वर्धमान, वेस्ट बंगाल पड़ता है। तो वेस्ट बंगाल काफ़ी दूर है, यहाँ से अगर देखा जाए कितना किलोमीटर पड़ता है तुम्हारा? 1700-1800 किलोमीटर है। वैसे इनके एक रिलेटिव हैं, इनके एक जीजा जी हैं जो यहाँ से उन्नाव सफ़ीपुर में रहते हैं, तो ये पहले उनके पास आए थे और वहाँ के बाद फिर मेरे पास आए, लेकिन जब से मेरे पास है तब से अब तक घर नहीं गए। और ये पूरा फुल डे क्लास करते थे, पूरा दिन क्लास करते थे, फिर हॉस्टल में जाते थे, अपना खाना पीना बनाते थे, खाते थे, और फिर वहाँ पर भी प्रैक्टिकल करते थे, प्रैक्टिस करते थे, जो भी सारी चीज़ें होती हैं सारे स्टूडेंट के साथ में सीखते थे। इनका सबसे पहली बात क्या, एक मैं बात खास बात कहना चाहता हूँ कि ये सुबह शाम तक पूरा प्रैक्टिकल करते थे। बैच में और भी सारे बच्चे होते हैं, कहते हैं ना जब कोई आदमी बाहर से दूर से होता है तो जब ऐसी जगह पर जाता है तो लगता है कि मतलब बोलने की एक अच्छी इच्छा नहीं थी कि मतलब सारे लोगों से ज़्यादा खास बात नहीं करते हैं और अपना खुद ही सब चीज़ों को लेकर के सीखते रहते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। हम या सर जो भी चीज़ जितना काम इनको देते थे या जो भी काम करने के लिए बोलते थे, ये अपना फुल्ली तरीके से काम करते थे। और एक एक करके जो भी मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आती थी उनको रिपेयर करते थे, उनको प्रैक्टिस करते थे। और समथिंग इन्होंने 1 महीने 18 दिन 20 दिन का समय लगाया और पूरा अपना कंप्लीट फाइनली कोर्स को कर लिया है। इनके और भी सारे बैच के बच्चे हैं, कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लेकिन अब ये काफ़ी दूर से हैं तो अपना घर जा रहे हैं। तो सर आप बताइए क्या क्या सारी चीज़ें सीख चुके हैं और आगे का प्लान क्या है आपका? आगे का प्लान है अभी घर जाके दुकान खोलेंगे। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे तुम? इससे पहले मैं कोई काम तो नहीं करता था, घर में ही रहता था। अच्छा, घर में। तो ये कोर्स करने के लिए तुमको किसने सजेस्ट किया था कि मतलब कोर्स सीख लेना चाहिए आपको? मम्मी ने बोलता था कुछ काम टाम करो, हमारा उम्र तो बड़ा है, ऐसे बोलता था। मैंने फिर मैंने ही इस लाइन पे आया। हाँ, तो इन्होंने मतलब घर वालों ने सजेशन दिया कि देखो जब आदमी का एक समय होता है, एक टाइम होता है, बढ़ता रहता है, तो फैमिली भी एक उम्मीद रखती है कि भाई हमारा बच्चा कुछ ना कुछ करे। लेकिन आजकल मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, अपना काम करने के लिए हर एक इंसान के अंदर एक बात होना बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर कोई ना कोई एक हुनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके अंदर हुनर है तो किसी भी सेक्टर में जा करके अपना काम कर सकता है और किसी भी तरीके से अपना लाइफ को अच्छी तरीके से इंगेज कर सकता है। आज मैं आपको ऐसे भी लोगों से मिलाना चाहूँगा कि सर जो ऑलरेडी पहले काफ़ी साल से जॉब कर रहे थे और जॉब करने के बाद फिर जॉब को उन्होंने क्विट किया। एक बार मैंने वीडियो में उनके बारे में मैंने बोला भी था कि सर काफ़ी साल जॉब करते रहे, जॉब करने के बाद फिर उन्होंने अपने जॉब को क्विट किया, जॉब क्विट करने के बाद सर उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को ज्वाइन किया। तो मैं उनके लिए इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि और भी लोगों के लिए एक्सपीरियंस हो, क्योंकि ये परेशानी खाली एक आदमी के साथ में नहीं होती, वो परेशानी हर एक इंसान के साथ में होती है। और जब हर एक आदमी का एक एक्सपीरियंस मिलता है तभी एक बेहतर अच्छे समाज की स्थापना होती है और लोग अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक काम करते हैं। तो सर आप आइए, ज़रा थोड़ा और भी लोगों को बताइए कि आपने सर कोर्स क्यों ज्वाइन किया और आप क्या करते थे पहले? सर मेरा नाम हेमराज है, तो लेकिन मैं बाहर जॉब कर रहा था, रहने वाला कानपुर का हूँ, लेकिन किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। तो वहाँ बैठ के मैं सर का वीडियो भी देखा करता था, मैं सोचता था क्या करूँगा वहाँ जाके। तो मैं सर से मिला भी आके 2-3 महीने पहले, मैंने सर से प्रॉमिस किया था कि ठीक है मैं आके मैं ज्वाइन करूँगा। फिर मैंने आके ज्वाइन करा और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरा कुछ सीख के कुछ अपना यहाँ सेटअप बनाऊँ। धन्यवाद। तो सर ने मतलब अपना जॉब छोड़ने के बाद सोचा कि हम अपना सेटअप बनाया जाए। तो सर जॉब्स के बाद फिर आपने बिजनेस के लिए क्यों मूव किया, ऐसा क्यों आपने दिमाग में आइडिया आया कि मतलब जॉब करने के बाद हम आगे बिजनेस पे जाएं और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ही हमारे लिए लाइफ टाइम हो सकता है? एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जितने भी सारे लोग जो ऐसे पर्सन हैं जो एक समय तक ही जॉब कर सकते हैं उसके बाद जॉब छोड़ना चाहते हैं, क्यों जॉब छोड़ना चाहते हैं? इसलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि जब आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो पहली बात अपने फैमिली से दूर रहते हैं,
दूसरी बात क्या होता है, इतना मोटा खासा इनकम या अर्निंग नहीं हो पाता कि आप अपनी सारी चीज़ों को एक साथ में मैनेज कर सकें। आखिर आप अगर आप मैनेज कर भी लेते हैं, चलिए आपने अच्छा पैसा कमाया, 50,000 रुपये कमा रहे हो, मैनेज कर रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स जो आप कहीं आपसे दूर 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 100, 200, 1,000, 2,000 किलोमीटर जो आपसे घर से दूर रहते हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी फुल पावरफुल नहीं रहती कि आप उनसे बोलो कि पिताजी एक काम करो, उस घर को छोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे शहर में ही ऐसा काम होना चाहिए कि हम थोड़े से पैसों के लिए 20-25 हज़ार रुपये के लिए हम परेशान ना हों और अपने शहर में ही लोकल क्षेत्र में हम काम करें और अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक अच्छी तरीके से सफल हों। तो सर कितना टाइम हो गया, कितना दिन हो गया मेरे पर क्लास करते करते आपको? मुझे लगभग 1 हफ्ता हो गया है यहाँ जॉब, यहाँ काम कर सीखते हुए। क्या क्या करते हैं, पूरा दिन क्लास करते हैं तो क्या क्या सीखते हैं सारी चीज़ों को? अभी मैं कंपोनेंट्स के बारे में मैंने सीखा है, रजिस्टर, कैपेसिटर, कोयल, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, सर ये मैंने सीखा है कंपोनेंट वगैरह। बाकी जंपर वगैरह लगाना सीख रहा हूँ। और प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में जंपर लगाना सीखा है और उसके बाद ये टेलीस्कोप से कैसे देखते हैं, क्या करते हैं। अच्छा। और उसके बाद सोल्डरिंग कैसे करते हैं, बाकी सारे कंपोनेंट टेस्ट कैसे करते हैं मल्टीमीटर से, ये सीखा है मैंने अभी। तो अभी सर का 7 दिन हुआ है, 7 दिन में पूरा अच्छी तरीके से मतलब पूरा प्रैक्टिकल कर रहे हैं और सर का एक ही विजन है कि मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में एक बार अच्छे से सीखना है, अच्छे से सीखने के बाद अपने क्षेत्र अपने लोकल में रह करके ही काम करना है। तो मेरा सर से सब उन लोगों के लिए मिलाने का एक सबसे बड़ा पर्पज़ ये था कि ये बहुत ऐसे लोग हैं जो आज सर मेरे पास कॉल करते हैं, या एक ऐसे मेरे पास लोग हैं जो नोएडा में जॉब कर रहे हैं, मेरा काफ़ी टाइम से वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद वो कह रहे हैं कि सर आप जो वीडियो में सारी चीज़ों को बताते हो या एक्सपीरियंस को शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं मेरे साथ में परेशानी बिल्कुल लगती है आ करके। और अभी मेरे पास कन्नौज के 2 लोग हैं जो नोएडा में जॉब कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सर मैं नाइट जॉब करता हूँ, नाइट जॉब करने के बाद मुझे कम से कम 5-7 साल हो गया नाइट जॉब करते करते, लेकिन मैं कभी भी रात में नहीं सो पाया, जब मैं घर आता हूँ तभी रात में सो पाता हूँ, लेकिन मैं कभी रात में नहीं सो पाता क्योंकि हमारी जॉब ही ऐसी है कि जो नाइट 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 और दिन में हमको सोना पड़ता है, दिन में ऐसी नींद आती नहीं है। तो हमारा शरीर ऐसा हो गया कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर हमारी एज देखा जाए तो आजकल के समय पर 28 साल 30 साल उम्र है, लेकिन आप सर देखोगे तो ये बोलोगे कि कोई 40 साल का आदमी है। क्यों आदमी है? क्योंकि काम ही ऐसा है। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, जिस आदमी कहते नहीं है कि एक आदमी काम का कीड़ा होता है, जिस चीज़ में लग जाता है उसी चीज़ में लगा रहता है। दूसरी चीज़ में लगने का मतलब क्या होता है कि हमको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, उस चीज़ को त्यागना पड़ता है, फिर उस चीज़ को सोचना पड़ता है। तो सर उनके मैसेज ने उनको गाइड किया कि भाई ऐसे तुम कब तक नौकरी करते रहोगे, घर भी आना है, तो क्यों ना ऐसा काम करो कि कोई काम सीख करके अपने क्षेत्र में ही डाल लो। तो उन्होंने समझ लीजिए कि मेरे पास ज्वाइनिंग कराया और वो शायद 1 जुलाई से लेकर के सॉरी 1 जून 1 जून या 5 जून को उनको जॉब छोड़ना है और उसके बाद सैलरी लेने के बाद 5 जून से मेरे पास यहाँ से क्लास स्टार्ट कर देंगे। और उनका सबसे बड़ा जॉब छोड़ने का एक ही रीज़न है कि मैं रात में नाइट में जॉब करता हूँ और अब मेरे से 5-7 साल हो गया, मैंने जैसे तैसे काट दिया, लेकिन अब मैं नहीं काट सकता और अब ना तो अपने फैमिली को समय दे पाता हूँ और ना तो खुद को समय देता हूँ और ना तो अपने लिए लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे। कि भाई जब 28-30 साल का आदमी और इतना लगने लगे और एक समय के दौरान मुझे लगता है कि कह रहे हैं कि हमारी लाइफ और कम हो जाएगी, तो हमें लगता है कि हम यहाँ से 15-20 हज़ार से अच्छा है कि हम अपने लोकल में रह करके वहीं काम करेंगे, तो इतने पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में कोई आदमी अगर 30,000 रुपये भी कमाता है और अगर घर से बाहर रहता है तो 30,000 कमाने का मतलब 15,000 रुपये तो उसके ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, 15,000 बचते हैं। लेकिन अगर आदमी अपने लोकल में रह करके 15-20 हज़ार रुपये काम करता है तो वो 40-50 हज़ार से भी ज़्यादा होता है। और दूसरी बात रहता है कि अपने लोकल में रहता है तो सम्मान रहता है, 4 लोग उसको जानते हैं और लोग जुड़े रहते हैं और उसको काम करने में अच्छा भी लगता है, उसको ये भी नहीं परेशानी होती कि कल हमको वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ वहाँ तो सिर्फ घूमने के लिए जाता है, लेकिन काम तो अपने एरिया में करता है। काम कहाँ पर करता है? अपने एरिया में करता है। तो कालीचरण जी आपके लिए मेरी तरफ से बहुत सारे विशेष हैं और आप अच्छी तरीके से काम करें। और मेरी तरफ से अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है या कभी कोई समस्या आती है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, उस चीज़ को सीख सकते हैं, ठीक है। और कभी आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़े या कभी कोई चीज़ काम करते समय दिक्कत आए तो भी आप फ़ोन करके कॉल करके मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, आपको हमारी तरफ से आपको हमेशा के लिए सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।